अरे दोस्तों, हम आपको बता दें कि कोरोना से अगर जीतना है, कोरोना से जीतने का एक ही रास्ता है। एक ही रास्ता क्या है वो? अंतिम प्रयोग। अंतिम प्रयोग क्या हो सकता है? आपको जानना है विशेष तौर से कि कोरोना से जीतने का अंतिम रास्ता क्या हो सकता है। उसी के संदर्भ में हम आपको बता देते हैं कि कोरोना से अगर जीतना है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो और क्या आपकी कोशिश हो सकती है, तो वही बता देते हैं आपको। अंतिम प्रयोग, END। अंतिम प्रयोग का मतलब है सर जी END। एंड एंड यानी कि एंड बराबर फिनिश। FI एंड बराबर फिनिश, कि अंत तो हो ही रहा है तो अंतिम प्रयोग क्यों ना कर ले। मैं मरता क्या नहीं करता। एंड बराबर फिनिश, फिनिश यानी अंत। अगर अंत ही होने वाला है तो लास्ट प्रयोग क्या कर लेना चाहिए। मरता क्या नहीं करता, मरते हुए आदमी को हर एक प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे वैसे भी अपने महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम साहब कहा करते थे कि एंड एंड यानी फिनिश, अंत। और एंड का उन्होंने एंड का अंत अंत नहीं बताया है, उनको एंड का मतलब उन्होंने कुछ अलग ही बताया था, वो हम आपको बता देते हैं। ई बराबर ई डेवलप ओ आर टी एफर्ट। फिर आगे चलते हैं, एन का मतलब उन्होंने बताया था नेवर, NEVER नेवर। और डी डी बराबर उन्होंने बताया था DIES डाइज। अब इनका संदर्भ हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, यानी कि प्रयत्न। फिर आगे चलते हैं, नेवर कभी नहीं, और डाइज का मतलब मरता। प्रयास कभी मरता नहीं है, प्रयास कभी मरता नहीं है, या प्रयास कभी नहीं मरता है, उन्होंने ये संदर्भ दिया था। कहने का मतलब कि आदमी को प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयास ही उसका समस्या का हल है। अगर प्रयास ही नहीं करोगे तो कोई हल नहीं मिलेगा। तो एफर्ट नेवर डाइज, प्रयास करते रहना चाहिए। और सबसे पहले तो महान विद्वान चाणक्य क्या करते थे कि दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो उसके चले जाने के बाद वो आपको कभी नहीं मिलती। आपको बहुत सारी चीज़ों में, जैसे परिवार, रिश्ते, बहुत सारी चीज़ें अगर खो कर की भी वापस मिल सकती है। लेकिन अगर विशेष तौर से ध्यान रखिए, अगर आपकी बॉडी चली गई तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये आपको वापस नहीं मिल सकती है। इसी तरह से हम आपको बता देते हैं एंड, एंड बराबर फिनिश। और एंड का कलाम साहब ने बताया था एफर्ट, ई बराबर एफर्ट यानी प्रयास, और एन बराबर नेवर कभी नहीं, और डाइज यानी मरता है। प्रयास कभी नहीं मरता है, हर एक इंसान को अपने लेवल पर अच्छी सी कोशिश करनी चाहिए। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, तो वही हम आपको बता देते हैं कि प्रयास करने से जड़ बुद्धि भी अच्छा ज्ञानी हो सकता है। तो इसी तरह से कोरोना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी बहुत सारी महामारियाँ आई थी, तो पब्लिक ने, जनता के सहयोग से ही सरकार ने उस पर उपलब्धि हासिल की थी और उसको दुनिया से ख़त्म कर दिया था। इसी तरह से कोरोना को भी सबके सहयोग से भगाया जा सकता है, और अंतिम प्रयास करते रहना चाहिए। और सरकार कहती है कि घर पे बैठे रहो, घर पे तो बैठे रहेंगे, लेकिन एक पुराना विचार है कि आलस्य जिंदे मनुष्य की कब्र है, आलस्य जिंदे मनुष्य की कब्र है। तो इससे अच्छा कि काम करते हुए मरें, आलस्य करके ना मरें। घर पे बैठे रहने से
इसका औचित्य कोई बड़ा नहीं आएगा, तो इसलिए हल्का फुल्का काम रहना चाहिए और गाइडलाइन के साथ में काम होते रहना चाहिए। इसलिए शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, कंट्रोलिंग रहेगी और प्लस कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से ही काम होता रहना चाहिए। इसी तरह से प्रयास करते रहने से कोरोना पर जीत हासिल की जा सकती है। और कलाम साहब ने जो बताया था, इफर्ट नेवर डाई, इफर्ट नेवर डाइज, प्रयास कभी नहीं मरता है। जिन्होंने एंड शब्द का शब्दार्थ निकाला है, अलग अलग शब्द को कलेक्ट करके, ई बराबर इफर्ट यानी प्रयास, एन बराबर नेवर कभी नहीं, और डी बराबर डाइज मरता नहीं है। इसी तरह से आप कोरोना को भी हरा सकते हो, अपनी ज़िंदगी को और बढ़ा सकते हो। अगर हार गए इसी पॉइंट पे तो उसी पॉइंट से निराशा, आशावादी रहोगे और आशावादिता के साथ एक सब के लिए और सब एक के लिए, जो कि सहकारिता का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, सहकारिता उसी पर निर्भर करती है कि एक सब के लिए और सब एक के लिए तैयार रहेंगे तो आपको बहुत सी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम पर भी उपलब्धि हासिल और जीत हासिल की जा सकती है। इसी तरह से कोरोना से जीतने के लिए एक ही रास्ता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा दो, अपने आप पर कंट्रोल, दूसरा डायरेक्शंस, तीसरा मेडिसन्स, चौथा सरकारी गाइडलाइंस, इसी का ध्यान रखते हुए आपको ध्यान रखना है। और प्रयास कभी नहीं मरता है, इस तथ्य जो कि हमारे महान वैज्ञानिक कलाम साहब ने दिया था, उसी के संदर्भ में आपको मेहनत करते रहनी चाहिए। आलस्य जिंदे मनुष्य की कब्र है, को भी संदर्भ में रखते हुए आपको काम भी करता रहना चाहिए। काम नहीं करोगे तो शरीर आलस्यमय हो जाएगा और आलस्यमय शरीर को ज़्यादा ही कीटाणु अटैक करते हैं, तो बॉडी अगर एक्टिव रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम करते रहने से गाइडलाइन के हिसाब से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने घर पर भी काम किया जा सकता है, ऑफिस पहुंच करके भी काम किया जा सकता है, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार काम करें और एफर्ट नेवर डाइज का भी ध्यान रखें कि प्रयास कभी नहीं बढ़ता है, उपलब्धि ज़रूर हासिल होगी। और पहले भी बहुत सारी 800 साल में जो महामारी आती है, उन महामारियों को भी दुनिया ने कंट्रोल किया है, कुछ जाने भी गई हम जान रहे हैं, लेकिन मेहनत रंग हर एक क्षेत्र में लाती है और परिश्रमी कभी हारता नहीं है। तो दुनिया भी लगी हुई है और उसमें सबसे बड़ा सहयोग दुनिया के हर एक इंसान का जो कोरोना से अनजान है, उसको भी जानकारी में ले लेना चाहिए। दूसरी बात है कि जो अपने अंदर डर, जो दुनिया ने इधर उधर की बातें करके जो छुपा दिया है अपने आप में, वो डर अपने आप हर एक इंसान में डर को ख़त्म करना सबसे बड़ी बात है। कोरोना को किसी ने ना तो देखा है ना ही कुछ ऐसा विशेष बात है, लेकिन डर जो लोगों के अंदर घुसा हुआ है उसको बाहर निकाल के फेंकना है और उस डर को बाहर निकाल करके ही कोरोना से जंग जीती जा सकती है। बहुत से मरीज कोरोना वाले, पॉजिटिव वाले ठीक भी हुए हैं, ठीक होकर के घर पे भी आ रहे हैं, उनका कुछ बाल भी बाका नहीं हुआ। कुछ मरीज हैं जो पहले से बीमारी ग्रस्त हैं, वो अगर इस पोजीशन में उनकी दुखद डेथ हो जाती है तो दूसरे लोगों को निराश नहीं होना है और प्लस हिम्मत रखनी है, प्लस परिवार में इसको घुसने से रोकने के लिए सरकारी गाइडलाइन का अवश्य प्रयास करें और गाइडलाइन के प्रयास के हिसाब से ही इसको कंट्रोल ले सकता है। प्लस आवाजाही से बचें कम से कम, और ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें। प्रशासन के भरोसे रहोगे तो प्रशासन जब पाबंदियां लगाएगा तब आप अलर्ट हो जाओगे, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रशासन की मजबूरी होती है, लेकिन जनता की कोई मजबूरी नहीं है। जनता को अपने आप को कंट्रोल करना है, इसमें सेल्फ कंट्रोल जनता को रखना पड़ेगा, तो आप कोरोना पर विजय हासिल कर सकते हो, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं और नामुमकिन हो जाएगा इस पर विजय हासिल करने के लिए। तो इस कोरोना महामारी को हराने के लिए सभी को एकजुट होकर, एक सब के लिए, सब एक के लिए, एनी टाइम, प्लस जो बेसिक वस्तुएं हैं वो सरकार भी उपलब्ध कराती है, प्लस अड़ोसी पड़ोसी वो भी ध्यान रख सकते हैं। और दूसरी बात है कि कोई वस्तु की प्रॉब्लम है तो वस्तु विनिमय भी कर सकते हो, वस्तु विनिमय के साथ ही आवश्यकता की पूर्ति, आधारभूत रोटी कपड़ा और मकान, सबसे मकान तो जो है ठीक ही है, लेकिन खाने पीने की जो व्यवस्था है वो सरकार भी करती है, प्लस ग्रामीण लेवल पर एवं शहरी लेवल पर तथा पारिवारिक लेवल पर भी ये व्यवस्था होती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको ये बता रहे हैं कि कोरोना से जीतने के लिए अपने आप को कमज़ोर नहीं बनाना है,
आत्मसंबल और आत्मसम्मान के साथ में इससे लड़ते रहना है। इफर्ट नेवर डाइज, प्रयास कभी मरता नहीं है। इसी के संदर्भ में आलस्य जिंदे मनुष्य की कब्र है, तो काम भी करते रहना चाहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।